मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर में 302 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। वहीं मंच से कांग्रेस पर वो जमकर बरसे, लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक नाराज रामलाल रौतेल मंच पर नहीं आए और सामने बैठे रहे। पितृपक्ष में लोकार्पण कार्यक्रम का सवाल जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा तो सीएम शिवराज बिना जवाब दिए वाहन पर बैठकर रवाना हो गए। पूर्व विधायक नीचे बैठे रह गए, मंच में नहीं आए, वो उनके अंदर नाराजगी थी मुख्यमंत्री विधायकों का। मुख्यमंत्री जी एक चीज, पितृपक्ष में कौन लोकार्पण करता है? मुख्यमंत्री जी पितृपक्ष में कौन भूमि पूजन करता है? थोड़ा जवाब दे दीजिए इसका। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कौन भूमि पूजन करता है शुभ काम पितृपक्ष में किया आपने? जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार की दोपहर अनूपपुर पहुंचे और लगभग 302 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। गौरतलब हो कि अनूपपुर विधानसभा में भी आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाला है। पहले यहां से कांग्रेस से विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वी साहूलाल अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और प्रदेश सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। मनसे सीएम ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि कमलनाथ सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दी, पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का वितरण करने आज आया था। मैं बिसाहूलाल सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो कांग्रेस जो कभी विकास के काम नहीं कर रही थी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ना वादे निभा रहे थे ना वचन पूरे कर रहे थे, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और जब इनके विकास के काम नहीं हुए, एक के बाद एक योजना बंद होती गई, वादे पूरे नहीं किए, उन्हें कांग्रेस को अलविदा कहा और अपने कैरियर को दांव पर लगाए, इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज इनके कहने पर, पार्टी के कहने पर जो काम विकास के मांगे वो विकास के काम हमने यहाँ दिए हैं और जितनी भी जन कल्याणकारी योजना कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी वो सब फिर से प्रारंभ कर दी है, चाहे वो संबल योजना हो, अन्य योजना हो। और मुझे गर्व है, इनको मैंने राशन का मंत्री बना, फूड मिनिस्टर, खाद्य नागरिक आपूर्ति, 37 लाख नए नाम जिन गरीबों के नहीं थे 1 रुपया किलो की सूची में, उनके नाम जोड़ने का काम हमने किया है, इनने किया है, ये बधाई के पात्र है। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता पूर्व विधायक जिन्हें पार्टी ने पिछली बार प्रत्याशी भी बनाया और विसाहूलाल के खिलाफ मैदान में उतारा था, वो रामलाल रौतेल मंच पर नहीं बैठे। प्रशासन उन्हें मनाता रहा लेकिन वो काफी नाराज दिखे। दूसरी ओर पितृपक्ष में लोकार्पण के सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिया और अपने वाहन पर सवार होकर चल दिए और पत्रकार सवाल पूछते रहे। पूर्व विधायक नीचे बैठे रह गए, मंच में नहीं आए, वो उनके अंदर नाराजगी थी मुख्यमंत्री विधायकों का। मुख्यमंत्री जी एक चीज, पितृपक्ष में कौन लोकार्पण करता है? मुख्यमंत्री जी पितृपक्ष में कौन भूमि पूजन करता है? थोड़ा जवाब दे दीजिए इसका। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कौन भूमि पूजन करता है शुभ काम पितृपक्ष में किया आपने? सीएन न्यूज के लिए शहडोल से रामबली यादव की रिपोर्ट।